अपने देश के लिए खेलना, अपनी टीम के लिए खेलना, वो भी वर्ल्ड कप जैसा महामुकाबला। माना कि हर खिलाड़ी की ऐसी खुशकिस्मत नहीं होती, लेकिन जो टीम में होकर भी मजबूरन टीम के लिए ना खेल पाए, शायद इससे ज्यादा बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। आप बताइए कि ऐसी किस्मत को आप क्या कहेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्सनेस्ट, और मैं हूं आपके साथ ध्रुव। ये जो वाक्य हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, वो हुआ है इंग्लैंड के खिलाड़ी रहीम स्टर्लिंग के साथ। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल जिस वक्त वो कतर में थे, ठीक उस दौरान यूके में उनके घर में बड़ी चोरी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और लूटपाट कर ली, जिसके बारे में खिलाड़ी को पता चला तो वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर लौट गए। इसे सुनकर आप भी शायद बहुत से सवालों के बीच उलझ कर रह गए होंगे कि क्या घर पर हुई चोरी अपने देश की टीम से ज्यादा जरूरी है? उनका घर पर लौट जाना टीम को कैसा लगा? टीम के कोच का इस पर क्या रिएक्शन होगा? कौन से मैच के दौरान या उससे पहले खिलाड़ी के घर चोरी हुई? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए आप। सेनेगल के साथ मैच में शामिल नहीं हो सके रहीम स्टर्लिंग। रविवार की रात को इंग्लैंड और सेनेगल के बीच मैच हुआ, जिसमें टीम इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से हराया। हालांकि रहीम स्टर्लिंग इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए थे, क्योंकि उन्हें अचानक घर वापस लौटना पड़ा था। वर्ल्ड कप को क्यों छोड़ना पड़ा? अचानक खिलाड़ी को वापस अपने घर इसलिए भागना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हथियारबंद चोरों ने उनके घर पर घुसपैठ की, जिस दौरान उनका परिवार भी उस वक्त अंदर ही मौजूद था। यानी मामला रहीम स्टर्लिंग के लिए दोनों तरफा ही बहुत ज्यादा गंभीर बन गया। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप का पड़ाव, जिनमें से मजबूरन खिलाड़ी को अपने घर, अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। टीम के कोच का क्या रिएक्शन? इंग्लैंड के कोच गैरेथ साउथगेट ने इस पर कहा कि पूरी टीम रहीम स्टर्लिंग के साथ है, मुश्किल वक्त में उनका परिवार के साथ होना बेहद जरूरी है, इसलिए वह वापस लौट गए हैं। आने वाले कुछ दिन में चीजें कैसी होती हैं ये देखना अभी बाकी है। घर पर चोरी से खिलाड़ी को कितना नुकसान? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने रहीम स्टर्लिंग के घर से 3,00,000 पाउंड से भी ज्यादा महंगी घड़ियां चुरा ली हैं। हालांकि खिलाड़ी के घर से क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं, इसकी प्रॉपर डिटेल्स ना ही पुलिस और ना ही टीम ने अब तक डिस्क्लोज की हैं। इन बिटवीन एक अच्छी बात जो है वो रिपोर्ट्स में ये बताई जा रही है कि खिलाड़ी का परिवार सुरक्षित है, उन्हें किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई गई है। टीम इंग्लैंड के साथ जिन लोगों का खास लगाव है, उनके लिए शायद ये थोड़ी नाखुश करने वाली खबर हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो इतना ही। स्पोर्ट्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।